शिक्षा व्यवस्था में अब एक बड़े बदलाव किए जाने की तैयारी है। ऐसे में अब स्नातक डिग्री हासिल करने के लिए छात्रों को 3 वर्ष की जगह अब 4 वर्ष का समय लगेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोमवार को इसका ऐलान भी कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं। ऐसे में अब ये दावा है कि नए व्यवस्था से छात्रों को विदेशी संस्थानों में दाखिले और बाहर जाकर रोजगार के लिए ज्यादा सुविधा होगी। बता दें कि नए शिक्षा व्यवस्था में अगर कोई 3 साल से पहले पढ़ाई छोड़ देता है तो उस 3 साल के भीतर फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही छात्र को 7 साल की अवधि में अपनी स्नातक की डिग्री हासिल करने का मौका भी मिल सकेगा। 8 सेमेस्टर वाले इस स्नातक कोर्स को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले 2 भाग में 3-3 सेमेस्टर और तीसरे भाग में 2 सेमेस्टर रखे गए हैं। इसमें 120 क्रेडिट 3 साल के सामान्य डिग्री के लिए लेने होंगे, तो वहीं 160 क्रेडिट स्नातक के लिए रिसर्च के साथ जरूरी होंगे। पहले भाग के 3 सेमेस्टर में सभी छात्रों को कॉमन और अनिवार्य पढ़ाई करनी होगी। इसमें साइंस, थिएटर, डांस, आर्ट, म्यूजिक, साहित्य आदि विषयों को शामिल किया गया है। कॉमन के 24 और इंट्रोडक्टरी के 18 क्रेडिट होंगे। इसी तरह दूसरे भाग के 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में 1 मुख्य विषय लेना होगा। इसके साथ 2 छोटे यानी माइनर सब्जेक्ट का विकल्प मिलेगा। इसमें से माइनर सब्जेक्ट में 1 अनिवार्य वोकेशनल कोर्स होगा। मुख्य विषय 48 क्रेडिट तो माइनर सब्जेक्ट के लिए 16-16 क्रेडिट के होंगे। तीसरे भाग में 7th और 8th सेमेस्टर को शामिल किया गया है, जिसमें छात्रों को ऑनर्स और शोध का विकल्प मिलेगा। छात्र बहुविषयक रिसर्च कर सकते हैं या फिर अंतिम वर्ष में एकल विषय के साथ डिग्री पूरी कर सकते हैं। UGC के मुताबिक सभी छात्रों के लिए ये पाठ्यक्रम मुहैया कराई गई है, लेकिन इसमें दाखिले के लिए छात्रों को बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र चाहे तो वो पहले से चले आ रहे 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों को ही जारी रख सकते हैं। UGC चेयरमैन प्रोफेसर M. जगदीश कुमार के मुताबिक पहले से दाखिला ले चुके छात्र भी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का हिस्सा बन सकेंगे। ऐसे छात्र जो प्रथम या द्वितीय वर्ष में यदि वो चाहेंगे तो उन्हें भी 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत अगले वर्ष यानी 2023-24 से शुरू होने वाली नई सत्र से ही होगी। अब दरअसल जान लीजिए इसके फायदे। तो दरअसल विधि अनुदान आयोग ने स्नातक कोर्स के फायदे भी बताए हैं, जिसमें पहले साल की पढ़ाई से सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और चौथे में ऑनर्स डिग्री व रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो वहीं 7 साल के भीतर एंट्री एग्जिट की सुविधा मिलेगी। 4 वर्षीय UG डिग्री प्रोग्राम वाले छात्र सीधे PhD के लिए पात्र होंगे।